आपको दिखाए जा रहे इस वीडियो में किसी भी तरह का पेड प्रमोशन शामिल नहीं है। वीडियो में बताए गए इस चिप्स के प्राइस में कुछ तथ्यों के आधार पर अंतर आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे तीखी मिर्ची वाले चिप्स यानी कि जोलो चिप का प्राइस जानेंगे, लेकिन एक किलो का। ठीक है, अगर आप एक किलो जोलो चिप अगर आप खरीदते हैं तो आपको जोलो चिप कितने की पड़ेगी वो हम आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे और हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है इसको कैलकुलेट करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि जब आप एक किलो जोलो चिप खरीदते हो तो उसमें आपको कितनी जोलो चिप्स मिलती हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, जब आपको पता चलेगा कि एक किलो जोलो चिप कितने की आती है तो आप दंग रह जाओगे, क्योंकि जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से सिर्फ जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसे हैं सिर्फ वही इस चिप्स को खा सकते हैं, अगर वो एक किलो के हिसाब से अगर खरीदते हैं तो। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एंड में भी जाते जाते आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ ही अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि अगर आप एक किलो जोलो चिप खरीदते हैं तो आपको एक किलो जोलो चिप कितने की पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको जोलो चिप कितने की पड़ेगी एक किलो अगर आप खरीदते हैं तो इस बारे में मैंने कैलकुलेट पहले से ही करके रखा हुआ है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और समझेंगे कि आपको एक किलो जोलो चिप कितने की पड़ती है और कौन से फैक्टर्स अगर बीच में आ जाते हैं तो आपको और महंगी पड़ सकती है। अब देखिए, एक किलो जोलो चिप का क्या प्राइस है वो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि जो आपको जोलो चिप अवेलेबल है ऑनलाइन के थ्रू या फिर मार्केट में जाके लेते हैं तो उसका प्राइस लगभग आपको कितने का मिलता है। तो ऑनलाइन के थ्रू अगर बात करें, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई हुई थी अपने YouTube चैनल पर, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप जोलो चिप खरीदते हो तो वो आपको 199 रुपए की पड़ती है। कौन से प्लेटफॉर्म पे खरीदना है वो सब मैंने आपको उस वीडियो में बताया। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके साथ ही आपको आई बटन में भी वो वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो आपको जोलो चिप अवेलेबल है ऑनलाइन वो जो है आपको 199 रुपए की मिलती है। ठीक है, जिसमें आपको दो चिप्स मिलती है। ठीक है, दो चिप्स आपको मिलती है 199 रुपए की और इसके साथ ही जो उसका वजन होता है, जो उस चिप्स का या जो पैकेट में लिखा हुआ रहता है वो रहता है 5 ग्राम। ठीक है, यानी 5 ग्राम की जो चिप्स है वो आपको मिलती है 199 रुपए में बिना डिलीवरी चार्ज के, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद देखिए, आपको कितना चाहिए एक किलो करने के लिए, आपको चाहिए 1000 ग्राम। ठीक है, आपको कितना मिल रहा है, 5 ग्राम मिल रहा है, लेकिन आपको चाहिए 1000 ग्राम ताकि आप एक किलो जोलो चिप्स इकट्ठा कर पाए। अब 1000 ग्राम की कीमत क्या होती है वो हम जान लेते हैं। उससे पहले हम इस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं कि 5 ग्राम के हिसाब से हमें कितने पैकेट, देखिए एक पैकेट में जो है आपको 5 ग्राम का वजन मिलता है चिप्स का, तो उसकी कीमत है 199 रुपए। तो हमको ये जाननी है कि एक किलो करने के लिए हमको कितने पैकेट्स की जरूरत होती है। हमको 200 पैकेट्स की जरूरत होती है अगर हमको 1000 ग्राम कंप्लीट करना है तो। और इसके बाद प्राइस को भी हम 200 से मल्टीपल कर लेते हैं, तो 199 को अगर हम 200 से गुणा करेंगे तो हमारे सामने क्या प्राइस आता है, 39800। इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में आपको 39800 में ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हम इसको राउंड फिगर करते हैं तो 40000 आप मान सकते हो, 200 रुपए का ही फर्क है और ये बिना डिलीवरी चार्ज की प्राइस है। अगर आप डिलीवरी चार्ज उसमें अगर आपके ऐड हो जाता है तो वो और आपको महंगा पड़ सकता है। अब देखिए, आपको कितनी चिप्स इन पैकेट्स में मिलती है, टोटल पैकेट्स में आपको कितनी मिलती है वो जान लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है एक पैकेट में दो चिप्स आती है, इसके साथ ही अगर आप 200 पैकेट्स खरीदते हो तो उस हिसाब से आपको 200 को 2 से गुणा कर देना है, यानी लगभग आपके 400 चिप्स पड़ती है। ठीक है, 400 चिप्स आपके आएगी टोटल, अगर आप 1 किलो जोलो चिप्स अगर खरीदते हैं तो वो उसमें आपको जो है 400 चिप्स अवेलेबल होंगी 5-5 ग्राम के हिसाब से, आपका 1000 ग्राम वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 किलो वहां पे हो जाएगा और उसकी प्राइस आपको राउंड फिगर में 40000 के आसपास पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको जोलो चिप खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पैकेट आपके 5 ग्राम का पड़ेगा, लगभग 200 रुपए के आसपास का, तो आप 2, 4, 5, 10 पैकेट खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको 1 किलो जोलो चिप खरीदनी हो तो आपको सोचना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि इसकी कीमत साधारण चिप्स की जैसी नहीं है। ये जो है दुनिया की सबसे तीखी मिर्च वाली यानी कि वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिप्स है और इसके साथ ही दुनिया की सबसे महंगी चिप्स में ये गिनी जाती है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आपको 40000 रुपए भी खर्च करने पड़ेंगे इंडिया में। अगर आप इंडिया के बाहर किसी और कंट्री से हो, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो वहां इनकी कीमत में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस टेक से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन YouTube पर रेगुलर मिलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में YouTube पर, तब तक के लिए धन्यवाद।